चार सूबों के इलैक्शन के रिजल्ट आ ही रहे आ गए और भारतीय जनता पार्टी तीन सूबों च बड़े भारी बहुमत के नाल जित के सरकार बना रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नड्डा जी को उन्होंने पूरी टीम को बहुत बधाई दिना और बहुत धन्यवाद करता पूरे देश की जनता की उन्होंने प्रदेशों की जनता ने जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा वड्डा हंगारा दिता। बेशक ओपोजिशन पार्टियां और खास तौर पर कांग्रेस बड़ा वड्डा अंदाजा ला के बैठिया सी भी असी सरकार बनावांगे और बड़े सारे ऐसे सर्वे भी उन्होंने करवाए, पर जो वो कहते सैमीफाइनल हूँ उन्होंने क्लीयर हो गया कि 24 दे जिहड़ी सरकार देश दे विच बनन जा रही आ उन नालों भी ज़्यादा वड्डे बहुमत नाल बीजेपी नूं जिता के मोदी जी नूं तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनान जा रही है देश की जनता और पंजाब दे विच भी इहदा बहुत वड्डा असर होने वाला और भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे विच बहुत ज़्यादा सीटा जीत के उस सेंटर की सरकार च एडा हुंगारा इस करके मिलिया कि मोदी साहब जो कहिंदे आ उह करदे आ और जिथे अपनी मध्य प्रदेश सरकार से उत्थे वो लोकल सरकार का भी चंगा काम और सेंटर के सरकार जी भी चंगे काम जमा हुए मध्य प्रदेश होर ज़्यादा सानू अच्छी रिस्पोंस मिली है और हुण बीजेपी की विश्वसनीयता जिहड़ी है क्रेडिबिलिटी वो लोगों ने महसूस की है। इस करके जिथे भी एक बार सरकार बीजेपी की आ जाती दोबारा आती नहीं है। मध्य प्रदेश 18 साल सरकार चलाने बाद 5 साल होर जनता ने दिते जो कि आम तौर पर साडे देश च नहीं होंदा। सो इस तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस जी है वो देश के हूँ जा रही है, वो तेलंगाना वर्गे दक्षणी सूबे च ही रह गई है तो हिंदी बोलने वाले सारे सूबे इसलिए बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के नाल बीजेपी के चंगे कामों को लोगों ने किया है। कांग्रेस कितने खड़ती नहीं है, कांग्रेस उत्ते क्योंकि होर पार्टियां नहीं है बाई डिफॉल्ट कांग्रेस जी कुछ सीटा लै गई है क्योंकि ओपोजिशन तो होंगी है सब की, इस करके मुकाबला क्यों कांग्रेस ना वो नहीं सगा बीजेपी के अच्छे कामों करके लोगों ने ज़्यादा वीड्डी गिनती लोगों ने उन्होंने ज़्यादा सीटा दिखाई ज़्यादा वोटा वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा कांग्रेस में तो बाई डिफॉल्ट ही जोड़ी वोट।